भूल गए तो याद दिला दूं कि अक्षत जिंदल और गुड्डन गुप्ता की शादी मेरी यानी कि गुड्डन की सौतेली माँ कौशल्या की वजह से हुई थी। अगर मैं अपनी सौतेली बेटी की शादी करवाने के लिए इस हद तक जा सकती हूँ तो फिर अपनी छुटकी की शादी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी। मैं जानता हूँ कि ये सच जानकर तुमको बहुत तकलीफ हो रही होगी, इसलिए ये बात तुम्हें बताने से मैं बहुत कतरा रहा था। अगर तुम अपनी माँ से मुझे वादा करने के लिए नहीं कहती तो शायद ये बात मैं तुमसे कभी नहीं कहता। जो चले जाते हैं उनसे कभी झूठ नहीं कहते। मैंने बहुत दुख होता है। बस कीजिए। हाय हाय, कितने तरह तरह के पकवान हैं। इस गुड्डन और उसके मास डांस के चक्कर में कितना लजीज खाना रह जाता। शुरू करती हूँ। मम्मी, हम आपको कब से ढूंढ रहे थे। अच्छा हुआ हमें यहाँ मिल गई। क्यों? अरे सुनिए ना, बात करनी है हमें आपसे। क्या हुआ? आप हमें एक बात बताइए, आपने कभी किसी के विश्वास का गलत फायदा उठाया है क्या? या किसी को मजबूर किया अपना काम कराने के लिए? क्या हुआ? क्या बकवास किया जा रही है तू? हमें कुछ नहीं हुआ मम्मी, पर कुछ लोग हैं ना हमारे रिश्ते को समझ ही नहीं पा रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आप हमारे लिए और हम आपके लिए क्या है। पर हमें पता है मम्मी, छुटकी हुई भी नहीं थी और तब से आपने हमें संभाला। आज तक 2 सेकंड के लिए भी आपके मन में कभी हमारे लिए गलत भाव नहीं आया। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन अब तू मुझे अपनी पसंद की रसमलाई खाने दे। अरे अरे क्या कर रही है? छोड़िए, आपके लिए मिठाई खाना किसी अपमान से कम नहीं है। अरे क्यों परेशान कर रही है गुड्डन, मुझे बहुत भूख लगी, मुझे खाने देना। हम आपको कैसे बताएं मम्मी, जैसे इंसान के छत के नीचे आप हंसी खुशी खाना खाना जा रही है ना, वही इंसान आपके खिलाफ क्या क्या बोल चुका है, जिसके चलते हम आपको इनके घर का पानी तक नहीं पीने देना चाहते। मम्मी, अरे भगवान, अब चैन से खाने भी नहीं देगी क्या तू? ठीक है मैं चली जाती हूँ यहाँ से, तब तेरे कलेजे में ठंडक पड़ जाएगी। अच्छा माँ जी, अब हमें इजाजत दीजिए। देखिए ऐसे ही आते रहा करें, गुड्डन को बहुत अच्छा लगता है और हमें भी बहुत खुशी होती है आपसे मिलकर। जी जरूर आएंगे, आपके परिवार में आकर आपसे मिलकर हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है। और कुछ ना, अब अगर फिर से इन्होंने हमारी मम्मी से कुछ कहा ना तो हम यही महाभारत कर देंगे। जल्दी आइएगा पापा। जी जरूर। और दामाद जी, आप भी कभी समय निकालकर हमारे घर आया कीजिए, आप आएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। जी हम चलते हैं। चल रुकिए, इतनी जल्दबाजी में कहाँ चल दिए? अभी तो मेहमानों के जाने का वक्त है, आप तो घर वाले हैं, रुक जाइए। कम से कम सच क्या है ये तो पता करके जाइए। यही है ना वो अपराधी जिनकी वजह से ये अनचाही शादी हुई थी? इन्हीं की बात सुनी थी ना आपने जी? नहीं गुड्डन, एजे ने मुझे कुछ नहीं बताया, ये बात मैंने खुद अपने कानों से सुनी है।
मैं किडनैपर को पहचान चुका। कौन है वो? किसी और ने नहीं, बल्कि तुम्हारी मम्मी कौशल्या जी ने कराया था। एजे के लिए बहुत मुश्किल है किसी के माता पिता पर उंगली उठाना। इस मान सम्मान के चलते शायद इस बार एजे अपराधी को जाने दे। पर दुर्गा जिंदल ये भूल नहीं कर सकती। तो बताइए कौशल्या जी, बताइए हम सबको कि सच क्या है? मतलब एजे ने मुझे बात करते हुए तो सुना, पर ये नहीं सुना कि मैं किससे बात कर रही थी। बिल्कुल सही कहा आपने दुर्गा जी, मैं ही हूं जिसकी वजह से गुड्डन आपकी सास और एजे की पत्नी बन गई। मैं ही हूं जिसने ये सब किया, पर ये काम मैं अकेली तो नहीं कर सकती थी ना। कोई है? जिसने मेरी मदद की थी, और इस काम को अंजाम देने में भगवान ने मेरी मदद की। ईश्वर ने मेरा साथ दिया दादी। गुड्डन की शादी टूटने के बाद मैं दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि मेरे बेटे का घर बस जाए। बस एक लड़की की जब शादी टूटती है ना, तब उस पर उसके घर वालों पर क्या गुजरती है, खासकर एक माँ पर, ये आप लोग नहीं समझ सकते। मैंने तो सिर्फ अपनी बेटी का भला चाहा और उसने, भगवान ने मेरा साथ दे दिया, तो मैंने क्या गलत किया? गलत तो आपने किया है दुर्गा जी, ये कहकर कि मैंने अपनी ही छुट्टी का अपहरण किया। और दामाद जी, आपने मुझे फोन पर बात करते हुए सुना था ना, तो आप ही बताइए क्या मैंने ये कहा था? बताइए ना कि आपको मैं ऐसी मां लगती हूँ कि अपनी ही बच्चियों के साथ ऐसी हरकत करूंगी? बोलिए क्या आपको मुझ पर शक है? ये नाटक बस करना। दुर्गा बहू, इन्होंने जो कहा वो आपने सुन लिया, अब इसके आगे एक शब्द और नहीं। जरूर दुर्गा बहू को कोई गलत फहमी हुई होगी, वरना आप अपनी दोनों बेटियों के सामने झूठ थोड़ी कहेंगी। अगर आप कह रही हैं कि आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो बात साफ है, आज से यही सच है। रही बात उसकी जो दुर्गा बहू ने कहा, उनके शब्दों के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। माफ कर दीजिए।
बातों को अफवाह बनने में देर नहीं लगती दामाद जी, गलतफहमियां हो जाती कभी भी किसी से भी। मुझे तो इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि आपको गुड्डन पे और हम सब पे पूरा भरोसा है। हाँ दामाद जी, आप तो हमारे दामाद हैं। आप ऐसे माफी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते। माफी मांगकर आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए। अब हमें चलने दीजिए। चलिए। सोच समझ के बात किया कीजिए आप। एक्टर निकले ऐसे हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं जैसे सच में शर्मिंदा। हमें पता है कि आपको अभी भी हमारी मम्मी पर भरोसा नहीं है। अब दुर्गति, ये क्या हुआ अभी अभी? आपने बिना कोई सबूत के उन पे सबके सामने इल्जाम लगा दिया और ऐसे बोल रहे थे कि वो तो सिर्फ एक गलत फहमी है। आप भी ना मतलब क्या दुर्गति, मैंने तो सोचा था कि आप रावण से भी ज्यादा ज्ञानी हो, पर आपसे इतनी बड़ी भूल हो गई। और वो कौशल्या, उसके सामने तो आपने अपना ही मजाक बनवा लिया। कुछ तो गड़बड़ है। जब मैंने एजे और गुड्डन की बात सुनी थी तब तक तो कौशल्या ही गुनेगार थी, अब अचानक सबके सामने ये बात गलतफहमी में कैसे बदल गई? हेलो, हाँ जी बोलिए। आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। पीछे मुड़िए। क्या हुआ दामाद जी? अच्छा, आप अभी तक वही बात लेकर बैठे? दामाद जी, आपने माफी मांग ली, मैंने आपको माफ कर दिया, बात खत्म हो गई। खैर छोड़ी ना उस बात को, हो जाती है कभी कभी गलत फहमियाँ। जी छोड़ दिया, लेकिन सिर्फ आपकी बेटी की वजह से। जी? गलत फहमी हमें नहीं आपको ही है कि आप मुझे बेवकूफ बना सकती हैं। आपकी बेटियां आपसे बहुत प्यार करती हैं, बहुत विश्वास है उनका आप पर, इसीलिए आपकी मनगढ़ंत कहानी मान ली। पर जो मैंने सुना और जो सब दुर्गा बहू ने कहा वही सच है। रेवती के अपहरण और गुड्डन और मेरी शादी की वजह आप हैं। यहां तो झूठ बोलकर बच गई, पर याद रखिएगा सच सबके सामने आने का रास्ता खुद ब खुद ढूंढ लेता है, और आपका सच भी सबके सामने आके रहेगा, गुड्डन के भी। बहुत विश्वास करती आप, और उसके इस विश्वास और प्यार को गलत साबित करके मैं उसे और तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता, पर आज के बाद इस घर में या इस परिवार के किसी भी मामले में अगर दखल देने की सोची भी तो याद रखिएगा जिन हाथों ने आज आपसे माफी मांगी है वही हाथ कल आपको जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा सकते हैं। आज पहली बार एजे ने झूठ बोला है। एजे और झूठ? समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये उल्टी गंगा कहां से बहने लगी। अब तो ये बात हाथ से निकलती जा रही है। ये सब
उस गुड्डन की वजह से हुआ है। एजे तो सिर्फ अपना पति धर्म निभा रहे हैं, ये जानते हुए भी कि गुड्डन की माँ ही गुनेगार है। एजे ने फिर भी उनसे माफी मांगी, ये हो क्या गया है एजे को? दी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उनके प्यार की शुरुआत है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एजे गुड्डन को अपनी पत्नी मानना शुरू कर दिए है। और 1760 लड़कियां देखी पर गुड्डन जैसी शातिर नहीं मिली। आपको नहीं लगता है कि आपको कुछ करना चाहिए? सुरुही, क्या बोल रही तू? कहीं ये बात बिगड़ ना जाए। समझ में नहीं आ रहा अक्षत जी कहना क्या चाह रहे हैं। अरे जब एक बार दुर्गा जी ने कह दिया था कि उन्होंने हमारी बातें सुनी हैं, तो फिर क्या जरूरत थी वो फालतू में माफी मांगने का नाटक करने की? क्या हुआ बेटा, तू ठीक है ना? हाँ। बेटा दुर्गा की बातों का बुरा लगा ना? अच्छा तू मुझे सच सच बता, अक्षत ने तुझे कहा था कि कौशल्या ने? हाँ दादी, ये गलतफहमी ना अक्षत जी को ही हुई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है उन्होंने हमसे ऐसा कहा क्यों दादी। अब अगर ना वो ऐसी बात करते तो ना ही दुर्गा जी सुनती और ना ही ये सब होता। पता नहीं क्यों दादी, पर हमें ना कहीं ये लग रहा है कि अक्षत जी ना नाटक कर रहे हैं। ही गाना, इन दोनों को आपस में प्रेम तो हो गया है, पर इस प्रेम का एहसास न जाने कब होगा इन दोनों को। लक्ष्मी दी, मैंने आपसे क्या कहा था कि सासू माँ दादी माँ के पास ही मिलेंगी, है ना? अब सासू माँ, आपको पता है हम आपको कितनी देर से ढूंढ रहे हैं। हाँ हाँ, तो अच्छा ही हो ना कि नहीं मिली, अब क्योंकि रिसेप्शन की तोहफे का सही समय अब आया है। अरे सासू माँ, 1760 आपको तोहफे मिले होंगे, पर हम जो तोहफा दे रहे हैं वो बहुत अलग है, और इससे अच्छे काम की चीज़ तो आपको किसी ने भी नहीं दिया होगा। सरू, हाँ? अब खोलो, जल्दी खोल। हाँ। इसमें है क्या? अरे दादी रुकिए ना, आपको पता चल जाएगा। ये देखिए सासू माँ, आपके लिए। सरू बिल्कुल सही कह रही थी सासू माँ, ये तोहफा आपको ये बताने के लिए है कि आपके अच्छे दिन शुरू हो गए और बुरे दिन अब बीत गए हैं, है ना सरू? ये लीजिए। तुम कहना क्या चाहती हो दादी? मैं बताती हूँ दादी। लक्ष्मी और सरू का ये मतलब है कि इनकी सासू माँ पर जो साढ़े साथी चढ़ी थी, जिसकी वजह से ये अपने घर नहीं जा पा रही थी, वो साढ़े साथी अब उतर चुकी है। अब इनका अच्छा समय शुरू हो गया है, अब किसी भी वक्त गुड्डन ये घर छोड़कर जा सकती है। गुड्डन, तुम्हारी मम्मी पर जो मैंने इल्जाम लगाया वो महज एक गलतफहमी थी, उसके लिए हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। पर अब तो वो गलतफहमी भी दूर हो गई, अब तो कोई कारण ही नहीं बचता तुम्हारे यहां रहने का। तुम्हारी मदद करूंगी मैं अपराधी पकड़ने में, ये वादा किया था मैंने तुमसे, वो वादा भी निभाया मैंने, पर फिर भी असली अपराधी को तुम नहीं पकड़ पाई। खैर इसमें नहीं कौन सी बात है, तुमसे तो वैसे भी कभी कुछ नहीं होता, तुम्हारी कही हुई एक भी बात तुम कभी पूरी नहीं करती। एक मौका अभी भी है तुम्हारे पास गुड्डन, अपनी बात को पूरी करने का। साढ़े साथी खत्म होते ही मैं इस घर से निकल जाऊंगी, ऐसा वादा किया था तुमने, तो बस साढ़े साथी तो खत्म हो गई।
गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए कि बहुओं का ये वार भारी पड़ेगा अक्षत और गुड्डन की बढ़ती नजदीकियों पर। यह होगा कुछ ऐसा जो कर देगा बहुओं को हैरान। अब कौन सी नई चुनौती आने वाली है गुड्डन के सामने, जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का धमाकेदार एपिसोड सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ ZTV पर।